नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम एक आपके सामने प्रोडक्ट लेके आए हैं, वैद्यनाथ का केसरी कलम। ये भी एक तरह का चमत्राश है, लेकिन इसको मेंशन किया गया है रॉयल ब्रश, यानी कि सर्वश्रेष्ठ चमत्राश। इसके अंदर स्पेशली मेंशन किया है सिल्वर, सोना और केसर से युक्त, और इसके साथ 44 यानी 44 और हर्ब्स भी हैं, उसका ये कम्बिनेशन है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि इसका हमने किस 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 को यूज़ करना है और कितने टाइम खाना है, क्या हर व्यक्ति के लिए ठीक है, फीमेल्स के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है। पूरे इसकी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहले हम आपको थोड़ा सा इसकी पैकिंग दिखा देते हैं, कैसी पैकिंग है, इसका प्राइस दे सकते हैं। जो MRP है 720 है, आप इसे ऑनलाइन डिस्काउंट रेट पर भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाकर इजीली क्लिक करके ले सकते हैं। तो इसकी अदर स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर मेंशन है, आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ कि इसके हर 100 ग्राम्स के अंदर ये अबाउट इसका वेट है 1 kg। और इसके अंदर मैं आपको कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ, ये 100 ग्राम्स के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। इसके अंदर जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है आंवला, और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी हर्ब्स हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बेलछाल, अरनी, आलू, गंभारा, पाटला, पीपल, शालपर्नी, कोखरू, छोटी के कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ा सिंगी, भूमि आंवला, मुनक्का, जीवंती, पुष्कर मूल, अगार, गिलोय, हरिटाकी, बला, रूडी, वरीची, जीवक, विदारी कंद, ऋषभक, कचूर, नागर मोथा, पुनर्नवा, मेधा यानी कि शतावर, महामेधा, छोटी इलाची, कमल फूल, सफ़ेद चंदन, विदारी कंद, बसाक, ककोली यानी कि अश्वगंधा, केशर, ये सभी जो हैं 0.487 ग्राम हैं। इसके अंदर जो आमला है वो है 12.175 ग्राम, जल है 124.672 ग्राम, घृत है 2.922 ग्राम, शक्कर है 60.875 ग्राम, वंश लोचन है 1.948 ग्राम, पीपल है 0.974 ग्राम, और इसके अंदर है दालचीनी, तेज पत्थर, नाग, केसर, छोटी इलायची, ये सभी 0.37 ग्राम, हनी 2.892 ग्राम, अक्कर करा 0.2 ग्राम, सफ़ेद मुसली 0.3 ग्राम, छतावर वैकोंठ के बीज प्रत्येक जो है इसके अंदर 0.2 ग्राम, केसर 0.35 ग्राम, इसमें अबरक भसम है 0.4 ग्राम, वंग भसम है 0.1 ग्राम, चांदी वर्क है 0.01 ग्राम, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है, स्वर्ण भसम है 0.001 ग्राम, यानी बहुत ही माइनूट क्वांटिटी में डाला है। और इसके अंदर ये टोटल मिलाकर हमने इसकी जो है इसको जिसके अंदर जो पावर आई है वो 44 हर्ब्स और मिनरल्स की पावर आई है। इसका जो प्लांट है वो मोस्टली वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर ये बनता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जैसा कि हमने इसके इंग्रेडिएंट्स देखा, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स तो है आंवला, और आंवला और इसके साथ जो बाकी जड़ी बूटियाँ हैं वो सभी क्या हैं, हमारे जितने भी कफ जनित रोग होते हैं जैसे नज़ला, कोल्ड, सांस की तकलीफें, इनमें ये बहुत ही उपयोगी है। इसके अंदर इतने टॉनिक डाले हुए हैं, ये हमारे ब्रेन को ताकत देते हैं, हार्ट के लिए अच्छे हैं, हमारे सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करते हैं, इम्यूनिटी, इसका मेन फंक्शन है ये हमारे लिए जो टू यूज किया जाता है, जिनको बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है जैसे कफ, कोल्ड, गला, इस तरह से जिनको फीवर, इस तरह की प्रॉब्लम जो बार बार अटैक होती है, उन सब के लिए बहुत ही वरदान है ये। उनके लिए तो मैं कहता हूँ कोई एक बार जरूर यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर कुछ शक्कर की मात्रा अच्छी डाली जाती है टेस्ट में अच्छा बनाने के लिए, तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है वो थोड़ा इसका इस्तेमाल अपनी शुगर की मात्रा देख कर डॉक्टर की सलाह से करें, अदरवाइज इसके बहुत ही यूज़फुल बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर जो भस्म डाली गई हैं, अबरक भसम, वन भसम, चांदी, स्वर्ण, और इसके लिए इसको जो है बच्चों में मैं इसको कहूँगा इसका यूज़ अवॉइड करें, क्योंकि चाय भसम की इसमें क्वांटिटी में मात्रा बहुत कम दी है, फिर भी मेरी राय है कि 25 ईयर से लेस जो है वो इसको यूज़ ना करें। हाँ, अगर कोई वैद्य इसको प्रिस्क्राइब करता है तो आप ले सकते हैं, आपको कोई स्पेशल कोई डिसीज है, अदरवाइज जनरली अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे मत लें। हाँ, बड़ी एज के बंदे इसको सब ले सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ओल्ड एज में या बड़ी एज में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, हमारे शरीर के सारे विटामिन को, मिनरल्स को ये उन तक पूरा करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एजिंग इफेक्ट आते हैं जो शरीर जैसे जैसे हमारा कमज़ोर होता रहता है एज के साथ, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, वीकनेस आती है, उन सब की इसका बहुत ही अच्छा है। तो वो सभी पर्सन इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वीकनेस फील करते हैं, या जो छोटी उम्र के भी हैं उनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया है कफ, कोल्ड, सर्दी, इन सब में ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसके अग्रेडर्स भी मैंने आपको बता दिए, उनके बारे में डिटेल में एक एक के बारे में बताना थोड़ा टफ हो जाएगा वीडियो बड़ा, लेकिन कुल मिला के जो बेनिफिट्स हैं मैंने बता दिए कि ये इनके बेनिफिट्स हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए टॉनिक है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमारी तो दूसरी एक इसका और बेनिफिट ये है कि हमारी वेट को ये नॉर्मलाइज करता है, अगर जिसका कम वेट है तो उसको ये
उसका वेट बढ़ा देगा, अगर जिसका वेट ज़्यादा है तो उसको ये कम कर देगा, फैट को मतलब कम करेगा। तो इस तरह से हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिट प्रोडक्ट है। तो हर कोई इसको जनरली कोई भी अपनी वीकनेस के लिए इसको ट्राई कर सकता है, एक अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों एक बार हम इसको खोलकर भी देख लेते हैं किस तरह का इसका ब्लेंड बनाया हुआ है नाथ कंपनी ने। तो देखिए हमने खोला है इसको, किस तरह से इसकी पैकिंग अच्छी है, सील्ड है, इसको हमने कट करके इसका हमने टेस्ट भी ट्राई किया है जो हम आपको बता देते हैं। तो इसका हम कलर बता देते हैं आपको किस तरह का कलर है, ये ब्लैकिश कलर में दिखता है और इसका ब्लेंड जो है बहुत ही फाइन है, एकदम फाइन, आपको बिल्कुल फाइन लगेगा जैसे ही आप खाएंगे। तो एक अच्छा टेस्ट है, शक्कर डाला हुआ है लेकिन शक्कर की मात्रा जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दिखती है वो इसमें नहीं है, वो वाली इसके अंदर कमी नहीं है, नॉर्मल है। मतलब अच्छा टेस्ट लगता है कुल मिलाकर, और ब्लेंड में ऐसा है कि कोई ऐसा बहुत फाइन ब्लेंड बनाया हुआ है, ये कुछ भी ऐसा नहीं आता कि उनमें कोई दाने दाने आ रहे हैं या कुछ आपको इंग्रीडियंट्स ऐसे आ रहे हैं, अच्छा मिक्सचर तैयार किया हुआ और काफ़ी प्लेटेबल है और स्वादिष्ट है। और अगर आपको हम एक चम्मच बोलेंगे तो नेचुरल आप एक चम्मच दिल से खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, हमें तो अच्छा लगा। इसकी जो डोज है वो आप जैसे सुबह का नाश्ता करते हैं तो एक चम्मच ले लीजिए, और इसको हम आप रात को भी जनरली जैसे खाना खाते हैं और सोने के बीच में एक चम्मच लेके रखते हैं। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा दूध भी पी सकते हैं चाहे तो, या अगर आप खाने के बाद एकदम खाते हैं तो इसे भी खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए आपको इसे यूज़ करना हो या इसकी मात्रा को कम ज़्यादा करना हो तो आप किसी अच्छे वैद्याचार्य से संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहो।